विश्वकर्मा कॉलोनी पिंजौर में एक सूने घर में बीती रात्रि चोरों ने ताले तोड़कर चोरी कर ली है। चोरी उस समय हुई जब घर में कोई नहीं था। लॉकडाउन के चलते पिंजौर विश्वकर्मा कॉलोनी का एक परिवार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में फंसा हुआ था। ऊपर से चोरों ने पीछे से घर के ताले तोड़कर सामान चोरी कर लिया। चोरी क्या क्या सामान हुआ यह तो घर के परिजनों के आने के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस जाँच अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि घर का मालिक मान सिंह अपने परिवार सहित हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक शोक सभा में गए हुए थे। उसके घर में चोरी हुई थी, हमने उसकी पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने आके चेक करके चली गई है और उसे हमने उसके बाद इस घर को ताला लगा दिया। पुलिस की देख रेख में ही ताला लगा। अभी 5-6 दिन से गए हुए थे, इनके घर में कुछ डेथ हुई हुई है, उसके उसमें गए हुए थे ये, तो इसको हमने अभी इन्फॉर्म किया, अभी आएंगे वो घर से आ रहे हैं। घर के मालिक घर में नहीं थे, पीछे से चोरी हो गई। आसपास घरों के पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पिंजौर पुलिस फोर्स पहुंची। चोरी की घटना के बाद और पुलिस को देखकर लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस जांच अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि घर के अंदर रखी अलमारी को चोरों ने तोड़ रखा था और घर का सामान सारा बिखरा पड़ा था। पुलिस ने बताया कि घर के परिजनों के आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। पंचकूला से सीन ऑफ क्राइम टीम अभी घटनास्थल पर नहीं पहुंची थी।